नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे राजनीति का शिकार मलिन बस्ती। जी हां, नगर निगम की ओर से रिसपना के किनारे स्थित 525 मकानों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल निगम ने बताया कि इन 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर 525 मकान बने हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जानी है। फिलहाल नोटिस देकर इन लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल मंडल नगर निकाय चुनाव प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके लिए सरकार की ओर से रहने का इंतजाम जरूर करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इसको लेकर अब राजनीति हो रही है? इसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं। कुछ एमबीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमबीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहां तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं, आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। कांग्रेस बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है, क्योंकि ये लोग अभी के नहीं है, ये कई सालों से बसे हुए हैं और अगर सरकार जो है उनको उजाड़ने का काम कर रही है तो कम से कम उनकी व्यवस्था करे कि उनको कहीं ना कहीं जगह दिलाकर जो सुनिश्चित करे या आवास आवंटित करे उन लोगों के लिए और उनकी एक व्यवस्था करें। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठा हुआ है कि आखिरकार इतना बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, 525 मकानों को ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो रिसपना के किनारे किया हुआ है, सरकारी भूमि पर किया हुआ है। अब ऐसे में कांग्रेस का यहाँ पर ये कहना है कि इनको विस्थापित करने के लिए कोई जो व्यवस्था है सरकार को वो यहाँ पर करनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि क्या इनको लेकर अब राजनीति, मलिन बस्तियों को लेकर अब राजनीति यहाँ पर हो रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हो जाता है। अब अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार जो धामी सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकारी जो जमीन है वहां पर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उन पर ये बुलडोजर कार्रवाई यहां पर होगी, लेकिन अभी समय जो है उन्हें दिया गया है ताकि वो यहां से खुद यहां से जो ये अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो यहां से हट सके। लेकिन अब सवाल यहां पर ये हो रहा है कि क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनावों के दौरान कई तरीके के जो वादे हैं दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ये जो बस्तियां यहां पर हैं 525 मकानों की अगर यहां पर बात की जाए जिन्हें नोटिस भेजा गया है वो बहुत पहले समय से है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि इतने समय से यहां पर जब ये बस्तियां हैं तब इन पर कोई कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण यहां पर सवाल बना हुआ है। तो अब एक्शन मोड में सरकार है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तो सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है। इस बीच अगर अभी भी इस तरीके के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई यहां पर की जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसी कई मलिन बस्तियां हैं जहां पर सरकारी जो जमीन है वहां पर इस तरीके का जो अतिक्रमण है वो किया हुआ है और इस पर यह एक्शन जो है वो धामी सरकार द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का यहां पर ही कहना है कि इस तरह की कार्रवाई अगर की जा रही है तो इस पर कहीं ना कहीं इन्हें विस्थापित जो है वो भी यहां पर करना चाहिए। तो देहरादून नगर निगम ने रिसपना नदी के किनारे से 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित किए हैं। इनमें नोटिस भी चस्पा किया गया है, साथ ही संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका भी दिया जा रहा है। इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। इसके बाद से ही मलिन बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है और बस्तीवासी बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंच रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने अतिक्रमण और साल 2016 के बाद की अवैध बस्तियों को हटाने के लिए अपनी जो कमर है वो कस ली है, जिसको लेकर नगर निगम ने पहले चरण में रिसपना नदी के किनारे काट बंगला से मथुरोवाला तक करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर 27 अवैध बस्तियां चिन्हित कर ली हैं। यहां साल 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित
किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सुनील थपलियाल जी हमारे साथ, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका हमारे साथ यूकेडी की तरफ से। प्रवक्ता अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो है संजीव वर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। अगर यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है तो इसको लेकर कांग्रेस जैसे कह रही है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ सुनील थपलियाल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब मलिन बस्तियों की अगर बात यहाँ पर की जाए तो काफी समय से यहाँ पर ये मलिन बस्तियां हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो इन्हें हटाने का काम किया जा रहा, सरकारी भूमि है, गैर कानूनी होता है सरकारी भूमि में कब्जा करना, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कम से कम इन्हें रहने की दूसरी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। सुनील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल थपलियाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं यूकेडी प्रवक्ता। अनिल जी अब ये जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, अब सवाल यहां पर ये बना हुआ है कि आज या कल से तो ये बसें नहीं है, ये बसावट काफी समय से चली आ रही है। अब 2016 के बाद से बताया जा रहा है जिनके निर्माण है वो अवैध है, सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। अब समस्या यहां पर यह है कि इन्हें हटाया जाता है, कांग्रेस कह रही है कि कम से कम इन्हें कहीं रहने की व्यवस्था तो सरकार करे, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए 2016 से के बाद इनकी दो बार सरकार बन गई है जी, तो आपको इनको सोचना चाहिए था कि जब 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 सरकार बनी थी तो जब इन्होंने अतिक्रमण, इनको पता था अतिक्रमण हो रखा है जी। तो 17 था, 18 था, 20 में करते, तो उस समय इन्होंने अतिक्रमण हटाया नहीं। अभी इनको अतिक्रमण की बात कहां से आ गई? और अगर ये अतिक्रमण हटाना भी चाहते हैं, नगर निगम के व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इनको इससे पहले ये सोचना चाहिए कि इनको पुनर्विस्तार कहाँ किया जाए, इनकी व्यवस्थाएं क्या की जाए। देखिए वो लोग भी काफी समय से वहां हैं, केवल वोट बैंक की ही के लिए ही वो लोग थोड़ी होंगे, और जब वोट बैंक की जरूरत होती है तब आप मलिन बस्तियों में जाते हैं, उनको बसने देते हैं और उनको जो जहां जिसने जो कब्जा किया वो कब्जा होने देते हैं। तब आपका नगर निगम सोया हुआ था। अब जब आपको पता लगा कि यहाँ पे विपक्ष ने थोड़ा हल्ला बोल बोला, तो अगर हटाने की बात कहीं नहीं हुई, ये बात हुई थी कि अगर आप इन्होंने अतिक्रमण किया है तो इस अतिक्रमण के बदले अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो कहाँ इनको जगह दी जाए, कहाँ ये इनका रखा जाए, वो भी एक यहाँ उत्तराखंड के प्रवासी हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो अभी 2016 से हैं तो आपको अभी 2024 में कैसे याद आई है? तो ये एक इसको इस एजेंडे को हम क्या माने, ये इनकी एक बहुत बड़ी वो कह सकते हैं हम अंदरूनी गणित कह सकते हैं या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि और कुछ कदम नहीं है। जो व्यवस्था आपको करनी चाहिए वो व्यवस्था है तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आपने चार धाम यात्रा को मैं भी अब थोड़ा सा समय लूंगा आपका। जी जी जी। चार धाम यात्रा की आपने देख लिया होगा कि कई चुनौतियों के बाद इनके पास जो है चार धाम यात्रा आई है, ठीक है, वन अग्नि को लेकर के, जल संकट को लेकर के, व्यापारियों का विरोध करते हुए, वहां तो आपका ध्यान नहीं है। 22 लाख रजिस्ट्रेशन आपने कर दिए, उससे ऊपर जो है यात्रियों के और संभावना आने की है, तो आप ये मलिन बस्तियों पे अभी ध्यान कैसे गया आपका? ठीक है, और अगर चले भी गया तो इनका पुनर्विस्तार होना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, क्योंकि आपने भी यहाँ पर सुना कि अनिल जी ने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि मलिन बस्तियों की बसावट अभी की तो है नहीं, यहाँ पर दो बार आपकी सरकार यहाँ पर आ चुकी है, तब क्यों इस ओर ध्यान नहीं गया? और अब अगर इन्हें विस्थापित करने की बात यहाँ पर अगर सोची जा सकती है तो उन पर विचार यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा? अभी का समय क्यों चुना गया है? प्रदेश में अन्य भी तो मुद्दे हैं, उन पर क्यों सरकार इतनी तरीके से फोकस अच्छे से नहीं दे रही है? अंजलि जी देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब वर्ग के साथ है, गरीबों के कल्याण के लिए हमारे हम जो भी अपनी रीति नीति और जो भी कार्य करते हैं गरीब कल्याण के लिए करते हैं जी। और 2016 में जिस समय कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, ये कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र बन गया है, हिट एंड डन का। और ये लोग करते तो कुछ है नहीं, किंतु शोर ये शोर मचाते हैं,
जनता को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं और इस समाज के अंदर एक भ्रम का वातावरण फैलाने का ये लोग काम करते हैं जी। 2016 में जिस समय इनकी सरकार थी उस समय ये तमाम जितनी भी मलिन बस्तियां थी उन मलिन बस्तियों को ये केवल और केवल भरमाने का काम करते रहे। किंतु जैसे ही हमारी 2017 में हमारी सरकार आई, 2018 में हम एक अध्यादेश लेकर आए जिसमें तमाम बस्तियों के नियमितीकरण का को हम लोगों ने एक अध्यादेश के तहत हमने लाने का काम किया जी। जो 2021 से चला और 2021 से फिर दोबारा से हम अध्यादेश लाए ताकि हमारा जितना भी गरीब वर्ग है उसको उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने ना पाए। ठीक है। और देखिए जो ये आप नोटिस वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये तो सरकार ने नोटिस नहीं दिया है, ये नोटिस दिया है एनजीटी के द्वारा और सरकार कोई न कोई जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है या न उसके लिए जो भी कोई ना कोई रास्ता खोलने की राह में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी संजीव वर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था यहाँ पर करती नजर आएगी, ये कह रहे हैं आप? अनिल जी मैंने कहा अभी आने वाले समय में इसके ऊपर भी कोई ना कोई हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें क्या किया जा सकता है। और जिस प्रकार से अभी मेरे यूपीडी के मित्र अनिल जी कह रहे थे चार धाम की आप बात कर रहे थे तो चार धाम में देखिए जिस तरह से एक शानदार यात्रा का आगाज कल से आरंभ हुआ है और आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुले हैं और जिस तरह से हमारे श्रद्धालुओं के अंदर एक अपार ऊर्जा के साथ वो लोग यात्रा में आ रहे हैं तो हमारा आपका सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम चार धाम यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अड़ंगन ना अटकाए और किसी भी तरह से भ्रम फैलाने का और भरमाने का झूठ बोलने का। ठीक है संजीव वर्मा जी, चार धाम यात्रा की तो बात यहाँ पर नहीं हो रही, उन्होंने अनिल जी ने बोला था व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। चार धाम यात्रा ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन मलिन बस्तियों की मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है कि आखिरकार मलिन बस्तियों के जो लोग हैं वो जाएंगे अब कहाँ। सुनील थपलिया जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुनील थपलिया जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, सुनील जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सुनील जी हमारे साथ अभी नहीं बने हुए हैं। अनिल जी अब क्योंकि अब जिस तरीके से अब बता रहे हैं संजीव जी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित में हम काम करते हैं, जो नोटिस दिया गया एनजीटी की तरफ से यहाँ पर दिया गया, कोर्ट की तरफ से यहाँ पर दिया गया, लेकिन हमारी सरकार इस पर विचार करेगी कि इन गरीबों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की जाए, अब इसमें समय लगेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब सरकार व्यवस्था करेगी विचार करेगी ठीक है और जब यहाँ पर उनके आशियाना तोड़ दिए जाएंगे, वो भी उत्तराखंड के लोग हैं, अब ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है। वही चीज तो हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार कोर्ट किसका है, कोर्ट में किसने बताया कि ये मलिन बस्तियां हैं, कुछ ना कुछ तो बात कहीं से तो वर्तमान सरकार के दिमाग में आया होगा। बिल्कुल, ये मामला आज का नहीं है, जब बता रहे हैं कि 2016 से है तो 2016 से मैंने बताया ना कि दो बार सरकार बनी और इस बीच में कई अतिक्रमण हटाए आपने, तो इस अतिक्रमण पे आपका ध्यान क्यों नहीं गया? ठीक है, और अगर गया तो आपने इसी बार की चुनौती क्यों ली इनकी? भाई प्रदेश में जैसे आपने कहा है प्रदेश में और मुद्दे भी हैं, आप अगर इनको हटाना चाहते हैं मलिन बस्ती से वो सरकार आपकी है, नगर निगम आपका है, व्यवस्था करना आपका है और प्रदेश को सुरक्षित या प्रदेश को स्वस्थ और ठीक रखना आपका काम है। बिल्कुल, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर कोई बसा हुआ है तो केवल आप उसको वोट बैंक की राजनीति से ही देखें। मलिन बस्ती में जब चुनाव होता है तो आपके नेता लोग पहले पहुंच जाते हैं तो उस समय क्यों याद नहीं आती इनको कि इनका अतिक्रमण हटाना चाहिए या इनको पुनर्विस्थापित करना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं इनके गरीबों की अगर सरकार होती तो इस प्रकार का कदम उठाने से पहले उनकी व्यवस्थाएं करती। ये अतिक्रमण हटाना यही नहीं ना, बहुत जगह ये अतिक्रमण हटाए हैं लेकिन उनका पुनर्विस्थापन करना भी वर्तमान सरकार का काम है। ठीक है, और वर्तमान सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए
और इन कदमों को इन 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 जो जो उजाड़ी जा रही है बस्तियां इनको पुनर्विस्तार। ये सवाल मैं पूछूंगी सुनील थपलियाल जी हमारे साथ मंडल अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी अब सवाल यहां पर ये बना हुआ है कि बीजेपी तो यहां पर कह रही है कि देखिए हमारी सरकार हम विचार कर रहे हैं कि इन गरीबों को कहां विस्थापित यहां पर किया जाए, लेकिन अब ये जो नोटिस दिए गए हैं ये एनजीटी की तरफ से कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं क्योंकि सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस ने अगर काम उसमें नहीं किया, हम यहाँ पर कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, गरीबों की सरकार है, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हम काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये नोटिस बीजेपी ने नहीं दिया है। जी मैडम, ये नोटिस बीजेपी ने नहीं दिया है तो किसने? प्रशासन ने तो दिया है। नोटिस तो प्रशासन का है, सरकार तो बीजेपी की है ना जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब जो जिन्होंने बसाया है, जिनके नेता गरीबों को वोट लेते हैं, गरीबों से वोट लेते हैं, उनका रोजगार भी छीन रहे हैं, उनका घर भी छीन रहे हैं, ठीक है, है ना। अब वो पहले तो उनका विस्थापन होना चाहिए था। सबसे नोटिस से पहले एक बार विस्थापित होते उसके बाद जो है ये कार्य करते नगर निगम। नगर निगम पहले तोड़ने का काम कर रही है, उसके बाद जो है उसे उजाड़ने का काम कर रही है लोगों का, है ना मैडम जी। तो ये जो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, उनका स्थापन करना जी, उन्हीं के नेता जो है उनसे वोट लेते हैं, वोट लेने के साथ साथ उनके साथ जहाँ वो जनता खड़ी होती है उनके नेताओं के साथ वो जनता खड़ी रहती है। आज उनकी जरूरत नहीं है तो उनको बेघर कर दो जी, है ना। पहले हमारा तो ये सुझाव है कि सरकार जो है, सरकार उनको विस्थापित करें जी, उसके बाद जो है ये कार्य करें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अनिल जी और सुनील जी ने उठाया है यहाँ पर। अब संजीव वर्मा जी देखिए, एक मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो नेता जो है गरीबों के पास पहुंचते हैं, हर गरीब का आवास हो, ये तो आपके केंद्र स्तर पर भी कहा जाता है कि हर गरीब का आवास जो है वो होना चाहिए, अपना घर यहाँ पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन अब बीजेपी जो ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के हित की बात सोचते हैं, ये मलिन बस्तियों में रहने वाले भी तो गरीब लोग हैं, इनकी बसावट काफी समय से है। अब ये 15 दिन का समय जो यहाँ पर दिया गया है कि आप खाली करिए, आप कहीं भी जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार का भी तो उत्तरदायित्व बनता है। उत्तराखंड में ही तो ये लोग काफी सालों से रह रहे हैं, अब जाएंगे तो जाए कहाँ? इस ओर कुछ तो ध्यान देना चाहिए या समय इन्हें कम से कम ज्यादा देना चाहिए कि अपना ये कुछ ढूंढ सके, कुछ व्यवस्था यहाँ पर कर सके। ये तो सरकार कम से कम करवा सकती है, समय तो दे सकती है। अंजलि जी देखिए, कांग्रेस पार्टी मलिन बस्ती वासियों को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई है, किंतु भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना वोट बैंक ना मान के जन भावनाओं का सम्मान हम लोग करते हैं। हम लोग कोई काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं ये हमको वोट देगा या ये हमारी सरकारों को जिताएगा या ये हमारे वोट बैंक के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भावना भारतीय जनता पार्टी की न कभी रही और न कभी भविष्य में भी रहने वाली है। हम गरीब का उत्थान कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, गरीब का अपना आवास कैसे मिले, तो उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है, हमारी राज्य की सरकारें काम कर रही है। अपना घर से अपना नल, अपने नल से अपना जल मिले, अपने घर में विद्युतीकरण हो और वो भी 1 रुपए में बिजली का कनेक्शन मिले, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, अपना शौचालय मिले, अपना शौचालय मिले, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हर गरीब का अपना आवास हो उत्तराखंड में, इसके लिए क्या कुछ किया गया अब तक? हर गरीब का आवास हो उत्तराखंड में, इसके लिए अभी तक क्या किया गया सरकार की तरफ से? देखिए अभी तक 16,500 आवास यहाँ पर गरीबों के लिए अपना प्रधानमंत्री अपना आवास कार्यक्रम के तहत आवंटित किए जा चुके हैं और लगातार नए आवास भी निर्माण हो रहे हैं। अपना शौचालय हर व्यक्ति को मिल रहा है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पूरा उत्तराखंड अभी तक लगभग ODF हो चुका है और चाहे हम स्वच्छता की बात करें, चाहे गरीब कल्याण की बात करें, कोरोना काल से लेकर और अभी अगले 5 साल तक जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त राशन की, निःशुल्क राशन की जो व्यवस्था है, वो लगातार सभी जो हमारे गरीब वर्ग है उसको
तो दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से जितनी भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो डीबीटी के माध्यम से उनके डायरेक्टली उनके खातों में पहुंचाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई बिचौलियों का उसके अंदर हस्तक्षेप ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई घोटाला ना हो। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों में आप कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो उनका अपना वक्तव्य था और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बोला था कि एक रुपया दिल्ली चलता है और 15 पैसे गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि कांग्रेस की सरकारों में 80% का भ्रष्टाचार होता है, और किंतु आज जो हमारी सरकारें चल रही हैं, एक रुपया दिल्ली चलता है तो सीधा सीधा 1 रुपया गरीब के खातों में पहुंचता है, कोई कट नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, और एक तरह से पूरी पारदर्शिता जो लाने का काम हमारी सरकारें लगातार कर रही है। सरकार जो उजाड़ने का काम कर रही है गरीबों के, गरीबों की झोपड़ियां, मलिन बस्तियों का उजाड़ने का काम हो रहा है सरकार। सुनील जी संजीव जी कह रहे हैं, कि कांग्रेस हमें ना बताए कि किस गरीबों के लिए किसने कितना काम किया है। कांग्रेस पहले अपने गिरिबान में झांके कि उन्होंने, कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए क्या कर लिया। सरकार तो आपकी भी यहाँ पर रही है, ये कह रहे हैं संजीव जी। उन्होंने बसाने का काम किया है, कोई उजाड़ने का काम नहीं किया। आप लोग जो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, पहले विस्थापित करना चाहिए उन लोगों को, तब ये जो उजाड़ने का काम है। अंजलि जी 2016 में इनकी सरकार थी, 2017 तक इनकी सरकार रही, और इनकी सरकारों ने जिस समय बस्ती वासी सचिवालय पर अपना अधिकार मांग रहे थे, नियमितीकरण की बात कर रहे थे, इनकी सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रही थी, उनके ऊपर वो हिटलरशाही वाला टाइम है का काम कर रही थी। जैसे 2017 में हमारी सरकार आई तो हमने जो ये संजीव भाई जो 15 दिन का टाइम है वो हिटलरशाही वाला टाइम है, लगातार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर। ठीक है, गरीबों के लिए कल्याण के लिए किसने कितना काम किया है वो तो जनता भी यहाँ पर देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि गरीबों के हितकारी कौन है, क्या वोट बैंक की सियासत हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील थपलियाल जी, अनिल थपलियाल जी, संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए।